प्रोजेक्टर लेना है या टीवी बॉक्स लेना है, इस वीडियो को जरूर देखिए। काफी सारी चीजें मैं खास बताने वाला हूँ। प्राइस कम हो गया है टीवी बॉक्स का, कैसे हुआ है वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और परफॉर्मेंस कहीं भी कम नहीं हुई है। वीआर टेक फिल्म्स, अमेजिंग टेक वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए। वीआर टेक फिल्म्स आपका स्वागत है। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिसने भी अगर इस बॉक्स का, टीवी बॉक्स का रिव्यू नहीं देखा है, H96 मैक्स 8K टीवी बॉक्स है, 8K फाइल्स को सपोर्ट करता है, पोर्ट्स की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, AV, HDMI, USB, मेमोरी कार्ड, इनफैक्ट आप इसमें जो है अपनी 1 TB तक की हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं, तो मैंने इसका पूरा रिव्यू किया है। रिव्यू में आप देख सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, गेमिंग भी इसमें बढ़िया चलती है, 8K फाइल्स को भी सपोर्ट करता है। इसका प्राइस 4700 के आसपास है, लेकिन फिलहाल में एक कूपन कोड मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, इसका प्राइस पड़ेगा आपको सिर्फ 2900 रुपये के आसपास। इस प्राइस में अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है इस टीवी बॉक्स की, क्योंकि यहां पे एमलॉजिक का लेटेस्ट चिपसेट S905X3 नया प्रोसेसर है, जो देखिए 6 महीना और साल भर तो इस तरह के प्रोसेसर जो है जल्दी से रिलीज नहीं होते, तो लेटेस्ट प्रोसेसर में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस हमको मिल जाती है इस टीवी बॉक्स में। ये नॉर्मल HD टीवी पे मैंने 4K 30 FPS वाली फाइल प्ले करी है इस टीवी बॉक्स के थ्रू, पेन ड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने 1 TB की हार्ड डिस्क यहां पे कनेक्ट कर रखी है, तो परफॉर्मेंस में किसी भी तरह का मुझे अभी तक कोई भी इशू नहीं मिला इस बॉक्स में, किसी भी तरह का लैग नहीं है, हीटिंग इशू नहीं है, लगातार मैं इस टीवी बॉक्स को यूज कर रहा हूं, मुझे इसकी परफॉर्मेंस अभी तक काफी बढ़िया लगी, गेमिंग के लिए भी टीवी बॉक्स बढ़िया है। अब यहीं पे प्रोजेक्टर की बात भी करता हूं, मैंने इस टीवी बॉक्स को प्रोजेक्टर के साथ में चलाया, मैंने अलग अलग प्रोजेक्टर के साथ में चलाया, और मजा तो यही आया कि 720p वाले प्रोजेक्टर पे मैंने जब इस टीवी बॉक्स को चलाया और इस टीवी बॉक्स में मैंने 4K फाइल्स भी प्ले करी तो मुझे किसी तरह का लैग नहीं मिला। टीवी बॉक्स में जो है आप अपने फोन की स्क्रीन को कास्ट कर सकते हैं, जैसा मैं यहां पर कर रहा हूं, टीवी स्क्रीन पे मैंने फोन को जो है कास्ट किया, प्रोजेक्टर पे मैंने जो है अपने फोन की स्क्रीन को कास्ट किया इस टीवी बॉक्स की मदद से, तो ये टीवी बॉक्स की परफॉर्मेंस हमें बहुत बढ़िया लगी है अभी तक। काफी ज्यादा मैंने इसको यूज किया है, तकरीबन 4 से 5 दिन मैंने इसी को यूज किया है, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी ऐप्स इसमें इंस्टॉल करी, गेम्स खेले, स्ट्रीमिंग करी, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम तो इसमें चलता है लेकिन उसका रेजोल्यूशन जो है 480 से आगे नहीं जाता, लेकिन बाकी जो फाइल्स हैं 4K वाली फाइल्स को बहुत आराम से प्ले करता है, यूट्यूब वगैरह इसमें आराम से प्ले करता है, Android 9 पे ये रन हो रहा है, 128 GB मेमोरी है इसमें, 4 GB की रैम है, और फिलहाल में इसका प्राइस जो है वो आपको कम मिलेगा 2900 रुपये के आसपास। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक कूपन कोड दे दिया है। बॉक्स का अगर आपको पूरा रिव्यू देखना है, वैसे आप में से बहुत सारे लोग देख चुके होंगे पूरा रिव्यू, नहीं देखा तो मेरे पिछले वीडियो में ज़रूर देखिए। तो इस बॉक्स का ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि इस बॉक्स को आप टीवी पे कनेक्ट कीजिए या प्रोजेक्टर पे कनेक्ट कीजिए, आपको परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया मिलने वाली है। तो कुछ और नए गैजेट्स के रिव्यूज़ जल्द मिलेंगे आपको वीआर टेक फिल्म्स पे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।